गुड मॉर्निंग जयपुर, दिस इज आसिफ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आसिफ ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे, बिल्कुल मस्त जैसा मैं हूँ। ओके, सो आज कोई हमारी राइड नहीं है, छोटा सा मीटअप है। मीटअप होगा हमारा, हम जा रहे हैं अभी, मतलब इस वीडियो का पर्पज़ है कुछ, सो वो मैं बाद में आपको ब्लॉग में बताऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ होटल हाईवे किंग और उसके बाद मिलेंगे सब। लेट्स गो। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, क्या चल? बढ़िया बढ़िया। हेलो भाई, हेलो। अभी उसका टाइम 6 बज चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं राइड के लिए। सो मीटअप तो होटल हाईवे किंग, सो लेट्स गो। मतलब हम 8 से 10 बाइकर्स हैं, बाकी बहुत काफ़ी अच्छी राइड होने वाली है मुझे ऐसा लगता है यार, लेकिन गर्मी तो माशाल्लाह हो ही रही है। ओके, सो वेनेसडे को राहुल भाई निकल रहे हैं राइड के लिए, सोलो राइड के लिए। सो जयपुर टू लोंगेवाला, और सो इन्होंने पूरी बाइक में काम करवा लिया, पूरा सब कुछ पैकअप हो गया है। आप बस बैठे तो वेनेसडे का, वेनेसडे को राइड हो जाएगी स्टार्ट। और राइड का मोटिव एक है, ओनली फॉर थैंक्स टू आवर इंडियन आर्मी, क्योंकि वो इतनी गर्मी में भी अपन इस कूलर और एसी में नहीं रह पाते, वो इतनी गर्मी में वहाँ खड़े रहते हैं, तो ताकि हम सुरक्षित रहें और हमसे। ये राहुल भाई, ये स्टार्ट करने जाएंगे अभी राइड। गुड मॉर्निंग राइडर्स। अभी मेरा जो प्लान है, मैं जयपुर से लोंगेवाला एक राइड कर रहा हूँ। मेरा मेन जो कॉज है वो इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी को थैंक्स मैसेजेस मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने स्कूल से मैसेजेस कलेक्ट करे हैं, कुछ हॉस्पिटल से करे हैं, कुछ पॉलिटिशियन से भी मिला हूँ, और रिसेंटली मैं कल राजवर्धन सिंह राठौर सर से मिला हूँ, और मुझे उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को मोटिवेट भी किया, और उन्होंने मुझे मैसेज भी दिया है कि आप राइड कर दो तो हमेशा हेलमेट पहन के राइड करो। मतलब एक इतना अच्छा पॉलिटिशियन है जो आपको इतना अच्छा से बात कर रहा है, आपको अच्छा ना सपोर्ट कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरा मेरा प्लान है कि 12 तारीख को सुबह 6 बजे मैं अमर जान ज्योति से निकलूँगा, और मेरे जितने भी बाइकर्स फ्रेंड है, जयपुर बाइकर कम्यूनिटी है, सारे राइडर्स मेरे को सी ऑफ करने आ रहे हैं, और जो फ्लैग ऑफ करेंगे वो उपेंद्र शास्त्री सर है, जो जयपुर बाइकिंग कम्युनिटी में बहुत बड़ा नाम है उनका, वो मुझे फ्लैग ऑफ देंगे। कॉज ये है कि मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मैंने जैसलमेर में 5 से 6 बार खुद जा चुका हूँ। मैंने देखा तनोट माता पे BSF कैंप है, और जैसलमेर के लिए आप निकलोगे तो बहुत सारे कैंप्स, BSF कैंप, आर्मी कैंप आपको मिलेंगे। तो टूरिस्ट वहाँ जाता है तो टूरिस्ट बस वहाँ पर एक फ़ोटो खिंचवाता है, आर्मी पीपल से कोई बात नहीं करता ना, उनका कुछ पूछता उनके बारे में, क्योंकि यार एक वो हमारे भी उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनको उनको वो भी हमारे को बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं उनके साथ रहूँगा एक दिन। तो आप उनके साथ मतलब कैंपिंग में स्टे भी करने वाले? कैंपिंग में मैं स्टे करूँगा, मेरी परमिशन आ चुकी है। एक दिन मैं उनको अपने बारे में, जो सिविलियंस उनके बारे में सोचता है इंडियन आर्मी के लिए जो सोच रखता है, मैं उनको बताऊँगा, और एक इंडियन आर्मी अपने बारे में क्या सोचती है, कि एक सिविलियंस के बारे में वो हम लोगों को क्या कहना चाहती है, उनका भी मैसेज मैं लेके आऊँगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जब मैं वापस आऊँ तो उनका मैसेज मैं आशिफ भाई को दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सबको दिखाएंगे कि हमारे ग्रुप वाले क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने आर्मी को, तो वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स चलते हैं, अपने राइडर से मिलते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग के लिए मेरी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपने आप को लकी समझ रहा हूँ कि जो हम आज मैसेज आर्मी के लेना चाह रहे हैं वो आज हमारे भाई राहुल भाई के थ्रू जो मैसेज, डायरेक्ट मैसेज आर्मी को पहुंच रहा है। कई बार होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं आर्मी वालों के लिए, अपने हीरोज़ के लिए, जो अपने वतन के लिए कर्म मट जाते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, आज हम डायरेक्ट मैसेज राहुल के थ्रू भेजना चाह रहे हैं। आज हम अपने आप को बहुत लकी समझ रहे हैं कि जो हमारा डायरेक्ट मैसेज आपके पास पहुंच रहा है, और सलाम है आपको और सल्यूट करते हैं कि जो आप हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर रह के घर परिवार को छोड़ करके आर्मी एरिया और ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पे भीषण गर्मी रहती है, ऐसा माइनस तापमान में चलते हैं, और गर्मी बरसात जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ आपका एक ही चीज़ होती है वो अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका, और
मतलब जितनी तारीफ भी करें उतने कम है आपके लिए। हमारे लिए एक छोटा सा मैसेज है जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है मैसेज वो आपके लिए, बस हम थोड़ी सी तारीफ आप जो है ये आपके लिए करना चाह रहे हैं। और आपको दोबारा सलाम करता हूँ आपको, और एक छोटी सी लाइन है आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैं आपसे वतन से वादा करता हूँ अगला जन्म भी मैं आपके लिए ही दोबारा लूँगा। इस जन्म को जी लेने दे जो मैंने अपने वतन के लिए किया है। सलाम अस्सलाम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम आरजे 14 राइडर्स, और मैं आज राहुल भैया को थैंक्स बोलना चाहूँगा। वो हमारे आरजे 14 के जो मैसेजेस है वो आर्मी के पास लेके जा रहे हैं, जो आर्मी के हमारे जो सोल्जर्स हैं जो तैनात रहते हैं बॉर्डर्स पे, दिन रात हमारी सेवा करते हैं, वो अपना फेस्टिवल इन्जॉय नहीं कर पाते हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं, तो मैं उनके लिए थैंकफुल कहना चाहूँगा। और राहुल भाई को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनके संग हम बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा इंडियन आर्मी के लिए। हम चैन से सो पा रहे हैं क्योंकि कोई जाग रहा है, देश की रक्षा कर रहा है। जी हाँ, भारतीय सेना जो देश की रक्षा के लिए पूरी रात जागते हैं, गर्मी सर्दी चिंता किए बगैर रात दिन सीमा पर खड़े रहते हैं, भारतीय देशभक्ति की एक सच्ची मिसाल है, जो अपनी प्राणों की परवाह किए बिना वतन की रक्षा करते हैं। जो जीते हैं देश के लिए, वो देश के लिए अपना लहू बहाते हैं, माँ भारती के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर देश की लाज बचाते हैं, परवाह नहीं करते अपनी जान की, देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान लुटा देते हैं। भारतीय सेना को मेरी तरफ से शत शत नमन। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, जो रात भर जागते हैं ज़रूरी नहीं कि वो आशिक हों, वो देश पर मर मिटने वाला जवान भी हो सकता है। फ्रॉम आरजे 14 राइडर्स ग्रुप की तरफ से इंडियन आर्मी को ये मेरा मैसेज है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए भाइयों का चैनल आसिफ व्लॉग्स। आई वुड से अ फ्यू वर्ड्स टू इंडियन आर्मी दैट कि वो लोग मेहनत करते हैं बॉर्डर पे जिससे हम खुश रह सकें, सेफ रह सकें, उनको सलाम। वो अपने फैमिलीज़ को छोड़ के जाते हैं, या हम हमारी फैमिली से रह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। तो आप लोगों के लिए एक सलूट, और आप लोग भी सेफली रहिए, दुश्मन की नाक में दम करिए, और दैट्स इट, थैंक यू। आई एम आरजे 14 राइडर्स से योगेश। मेरा ये संदेश है इंडियन आर्मी के लिए, क्यों वो वहाँ धूप गर्मी और बारिश के अंदर रहकर उनके वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित है, उनके वजह से ही सुरक्षित है। इसलिए इंडियन आर्मी को, ऑल इंडियन आर्मी को थैंक यू मेरी तरफ से। ओके सो गाइज, मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है इंडियन आर्मी के लिए, और ऑल्सो थैंक यू टू राहुल भाई जो राइड कर रहे हैं इतनी गर्मी में भी, और जहाँ कि अपन अब एसी और कूलर के अंदर रहते हैं फिर भी अपन को इतनी गर्मी लगती है कि अपन बर्दाश्त नहीं कर पाते। और हमारी इंडियन आर्मी जैसलमेर में इतनी मिट्टी है, और वहाँ पे मिट्टी में खड़े रहते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, तो उनको सल्यूट है। और हम उनके सरप्राइज को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि वो इतनी गर्मी के अंदर ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अपन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम ईद मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, ताकि हम मना पाएँ वो बॉर्डर पर रहते हैं। सो सल्यूट है सर आपको, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो बाकी ये ना मॉर्निंग में बहुत अच्छा सीन रहता है, और ये है हमारा मीटअप टाइम। तो ये भाई है हमारे बढ़िया, कैसे तैयारी वैयारी होगी? फुल पावर में चलिए, फुल स्पीड में आराम से जाना, फुल स्पीड फुल पावर में आराम से जाना। हीट अप की दिक्कत रहती है यार, अरे यार गर्मी तो खतरनाक है। तो राहुल भाई जा रहे हैं, बाकी तैयारी होगी फुल।
बाकी राहुल भाई को फॉलो कर दिया तो आप घर जाने का टाइम है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टिल देन सो फार सो गुड, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ, बाय बाय।